राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रविवार शाम को सीढ़ियों से गिर गए, जिसके बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि आनन फानन में लालू प्रसाद यादव को बेहोशी की हालत में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी MRI कराई जा रही है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 2 महीने के बेड रेस्ट के लिए कहा है। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार है। आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर रह रहे हैं। चोट के चारों तरफ एक क्रैप लगा दी गई है और डॉक्टर ने दवा लिखकर उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी है। श्री लालू प्रसाद यादव जी देर रात 3:30 बजे लगभग हमारे इमरजेंसी में आए थे। उनकी जो स्थिति थी अस्थिर थी, बिकॉज उनका जो शोल्डर इंजरी हुआ था रिसेंटली, अभी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हमारे ICU में उनकी स्थिति पर निगरानी रखे हुए, एंड अभी जो स्टेटस है वो स्टेबल है पेशेंट का। ठीक है। उनके आने का कारण जो हड्डी में चोट लगी, हड्डी की चोट और उनकी जो प्रीवियस डिजीजेस हैं वो है। किडनी में प्रॉब्लम बताया पहले से है उनको जी। कब तक उम्मीद है कि अगर ऐसे स्टेबल रहेगा तो डिस्चार्ज होगा? ये कहना भी मुश्किल है, तो लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। और अभी स्टेबल है। अब कब तक रिलीज कर रहे हैं सर आप लोग? अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, जैसे स्थिति होगी उसके अवगत कराते रहेंगे हम लोग सबको। क्या ऐसी भी कुछ है कि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है या क्या ऐसा कैसा स्टेबल? पेशेंट स्टेबल है, अभी पेशेंट स्टेबल है जी, और अंडर कंट्रोल है। टीम ऑफ डॉक्टर जो हमारे सब देख चुके हैं और निगरानी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ब्लड रिपोर्ट्स की है, एक्सरे का है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीच रात में लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो रिलीज किया डॉक्टरों ने जी, अभी स्टेबल है। स्टेबल है। रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। आपको बता दें, RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत अक्सर खराब रहती है और वो पहले से कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। जेल में रहने के दौरान भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कई बार अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। लालू यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, तनाव, थैलेसीमिया, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत और इसके अलावा भी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कुछ महीने पहले रांची स्थित CBI की एक विशेष अदालत ने जमानत दी थी, जिसके बाद से वह जेल के बाहर हैं और 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर रह रहे थे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट कोर्ट ने रिलीज किया था, जिसके बाद लालू यादव को बीमारियों के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मिल गई थी।